मॉर्निंग और सुप्रभात मित्रों। दोस्तों, 1943 में जंगे आजादी का एक बहुत प्यारा सा नगमा गूंजा था। आज हिमालय की चोटी से फिर से हमने ललकारा है, दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। मैं समझता हूं कि ये गीत शायद क्रांतिकारी भाव से पहला उद्घोष था भारत के लोगों का एक गीत के रूप में। ऐसे ही बहुत से गीत, जैसे हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के, ले दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, या फिर वो गीत चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा रही चल अकेला। तो ये नायाब देशभक्ति के गीतों की जो श्रृंखला थी उसके पीछे एक कलम थी। आज मैं उसी कवि की बात करने जा रहा हूं और उसी सिलसिले में बात एक ऐसे गीत की आपके साथ साझी कर रहा हूं जिस गीत को लिखकर इस कवि ने लता मंगेशकर को कहा था कि लता, ये गीत अमर हो जाएगा और तुम भी इसके साथ अमर हो जाओगी। और याद रखिए कि ये गीत लता मंगेशकर ने 100 से ज्यादा म्यूजिकल, बड़े म्यूजिकल कॉन्सर्ट में गाया था, और जहां भी वो जाती थी लता मंगेशकर, उससे ये गीत जो था वो डिमांड किया जाता था। इस गीत की गाथा बड़ी निराली है। इस कवि का नाम राम प्रसाद द्विवेदी था, जिसे हम कवि प्रदीप के नाम से जानते हैं। आज इनका जन्म दिवस है। तो इन्होंने एक ऐसा नायाब गीत लिखा जो किसी फिल्म के लिए गीत नहीं था। 1962 में इंडो चाइना वार में जो बहुत से हमारे सैनिक शहीद हुए थे, उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए फिल्मी दुनिया के लोग आगे आए थे और डायरेक्टर महबूब खान ने एक बहुत बड़ा कंसर्ट जो था वो उसका आयोजन किया था दिल्ली में। तो उसके लिए उस समय की जो महान फिल्मी हस्तियां थी उनको आमंत्रित किया गया था कि वो परफॉर्म करें। इसी सिलसिले में डायरेक्टर महबूब खान ने उस समय के मशहूर संगीतकार सी रामचंद्रन को भी एक पेशकारी देने की पेशकश की थी कि आप भी एक पेशकारी दें। तो उनके पास कोई गीत नहीं था, उन्होंने इस गीत की फरमाइश जो थी वो अपने मित्र कवि प्रदीप से की कि प्रदीप, मेरे लिए एक गीत लिखो। 23 जनवरी 1963 को ये गीत जो था वो पेश किया गया था, और 23 जनवरी 1963 को ये कंसर्ट दिल्ली में होने वाला था, जिसमें प्रधानमंत्री उस समय के पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शिरकत करने वाले थे। तो ये गीत जो था, कवि प्रदीप जो थे वो शाम को समंदर के किनारे टहल रहे थे, तो टहलते टहलते उनके दिमाग में, जैसे कवियों के दिमाग में कविता गूंजती है, तो समंदर की लहरों को देखते हुए उनके अंदर एक जो भाव शहादतों का उदय हुआ, उस समय उनके पास कलम नहीं थी, पेन नहीं था। तो उन्होंने समंदर के किनारे टहल रहे किसी व्यक्ति से एक पेन जो था वो उधार में लिया कि जरा मेरे को ये पेन दिखाइए। पेन लिया और सिगरेट की एक डिबिया जो होती है उसके पिछले, उसको फाड़कर उसके पिछले जो खाली स्थान होता है उस पे उन्होंने वो जो लाइनें उनके दिमाग में आई थी जिसे हम मुखड़ा कहते हैं वो लिख लिया। और वो मुखड़ा लिख के जब वो घर पे आए तो उन्होंने ये गीत कंप्लीट किया, ये गीत पूरा किया। और यकीन मानिए कि ये गीत जो था उसकी धुन सी रामचंद्रन ने बनाई, और इसको परफॉर्म जब लता मंगेशकर ने दिल्ली के रामलीला मैदान में किया था, तो कहते हैं 23 जनवरी 1963 को रफी के बाद लता मंगेशकर ने परफॉर्म किया, अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। तो उसके बाद लता ने जो गीत गाया वो गीत हिंदुस्तान की हिंदी सिनेमा जगत में अमर हो गया। और ये गीत जो था उसको सुनकर
जब शाम को ये पार्टी हुई, बाद में सभी कलाकार इकट्ठे हुए, तो सी रामचंद्रन जो थे वो लता मंगेशकर के पास आए, शायद डायरेक्टर महबूब खान की आपको प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बुलाया है। तो लता कहती हैं कि मैं थोड़ा सा घबराई कि प्रधानमंत्री ने मेरे को क्यों बुलाया है, क्या मेरे से कोई गलती हो गई है। तो जब लता कहती हैं कि मैं पंडित जी के पास गई तो पंडित जी ने हाथ जोड़कर मुझे नमन करते हुए कहा था कि बेटी आज तुमने मुझे रुला दिया। तो लता की आवाज तो अपने आप में एक करिश्मा है ही, लेकिन जो पंडित नेहरू की आंखों से आंसू आए थे उसके पीछे बोल थे, उसके पीछे शब्द थे, उसके पीछे कलम थी और शायद उसके पीछे कवि प्रदीप था। और वो जो नायाब गीत जो किसी फिल्म से नहीं है, वो गीत जो था वो हम किसी भी राष्ट्रीय दिवस 15 अगस्त 26 जनवरी के समारोह में आम तौर पर गुनगुना भी देते हैं, सुनते भी हैं। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद जय हिंद जय हिंद की सेना। जय हिंद। और कवि प्रदीप के आज जन्म दिवस पर उनको एक श्रद्धा नमन। नमस्कार। मुझे आशा है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, ज्ञान वृद्धि हुई होगी। अगर पसंद आई है तो शेयर जरूर कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के और बहुत से दिलचस्प किस्से आपके साथ साझा करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।